लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन को पूरा करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने जर्नल एंट्री कर लिया था, और अगर मैं आपसे एक बात बताऊँ ना, तो वो जर्नल एंट्री में एक एंट्री मिसिंग है, जो कि तब तक नहीं हो सकता, जो हमने करा था क्वेश्चन, तब तक नहीं हो सकता जब तक के कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर ना आ जाए। यानी एक बनाने आ रहे, रजिस्टर ओपन कर लेना आप सभी लास्ट क्लास का, और एक एक एंट्री मुझे चाहिए होगा। लास्ट क्लास का जो करा है आपने उसी को ओपन करिए जो मैंने बताया था। ये मैंने आपके सामने बैलेंस शीट भी आज बताऊंगा मैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में बोला जाएगा तो मैं छोड़ तो सकता नहीं कि इसे बाद में करेंगे। आज वाली क्लास में टॉपिक छोड़ के हम पहले बैलेंस शीट वगैरह अच्छे से बेसिक बेसिक चीज़ें समझ लेंगे, फिर हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। पर्टिकुलर, और इसको, इस अकाउंट को एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम है हमारा कैपिटल रिडक्शन। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलिए, आप जर्नल एंट्री आपने निकाल लिया, पहली जर्नल एंट्री क्या था हमारा, इक्विटी शेयर। वहाँ पे देखोगे फ़ायदा हो रहा था, तो फ़ायदा मीन्स किधर जाएगा, बाय साइड, और बाय साइड में लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए, कितने का फायदा था, 4.20, ठीक है, 4.20 का बेनिफिट था। अगला क्या था हमारा एंट्री, प्रेफरेंस शेयर। क्या वहां फायदा था, बिल्कुल वहां भी फायदा था, तो प्रेफरेंस शेयर यानी फायदा सारा बाय में, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने का, 80,000 रुपए का। इसके बाद अगली एंट्री किसकी थी, इंटरेस्ट ऑन, यहाँ भी फायदा था, दो इंटरेस्ट थे हमारे, एक अनसिक्योर्ड लोन, एक डिबेंचर पे, तो एक इंटरेस्ट अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर वाला, इस पर फायदा कितने का था, 12,000 का, और एक इंटरेस्ट था हमारा डिबेंचर पे, और यहाँ 50% फायदा था जो कि था 22,000। इसके बाद क्या था, देखिए जर्नल एंट्री में, स्टॉक को तो बाद में था ना, पहले क्रेडिटर, जैसे मर्जी कर लो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, पहले क्या था, क्रेडिटर, क्रेडिटर पे फायदा हुआ था, क्रेडिटर पे फायदा हुआ था 36,520। इसके बाद फिक्स एसेट्स पे भी फायदा, अब ऐसा नहीं करना कि हमें पहले फायदा लिखना है, जो एंट्री सामने आते जाए वो। तो क्रेडिटर के बाद अगली एंट्री क्या है, फिक्स एसेट्स। क्रेडिटर से पहले अगली एंट्री कौन सी थी, स्टॉक वाली, हाँ तो स्टॉक की बाद में ही है, चलो हाँ उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि हम पहले क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे, जो एंट्री आपके सामने आता जाए फटाफट फटाफट टू बाय लिखते जाना, कन्फ्यूज नहीं होना, फायदा है तो क्रेडिट और नुकसान है तो डेबिट। क्या है बताओ, फिक्स एसेट्स फायदा था हमारा कितने का, 51,500। इसके बाद स्टॉक, स्टॉक पे नुकसान था, टू स्टॉक, कितने का नुकसान, 25,200। इसके बाद क्लोजिंग एंट्री सारे राइट ऑफ करने थे, जैसे कि गुडविल, जैसे P&L, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, और जैसे कि प्रोविजन। तो सर यहाँ पे गुडविल कितने का था, एक 167, और इसके बाद P&L 353, इसके बाद 25,000, 33,000, इसके बाद कौन सी एंट्री, बस क्या है, एक, हाँ रिकंस्ट्रक्शन, तो वो भी तो नुकसान है, तो टू बैंक 16,820। अब आप देखोगे तो एक एंट्री अभी भी, जो लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट टॉपिक किया था जनरल एंट्री लास्ट क्लास में, उसमें पाओगे कि एक एंट्री अभी भी मिसिंग है, वो जो यहां से निकलेगा।
अब यहां से एंट्री निकल भी सकता है, बराबर हो गया तो कोई मिसिंग नहीं है, अगर बराबर नहीं हुआ तो निकलेगा। तो जैसे टोटल करते हैं 4 20 80 12 22 36 520 51 500, तो टोटल आ गया 622 020, 622 020 माइनस 25 200 167 5353 25,000 33,000 16,820। तो जी आया है 2000 का, तो यहां पे लिखेंगे कैपिटल रिजर्व 2000। तो ये बेनिफिट है। लास्ट क्लास में कुछ बच्चों ने पूछा भी था, सर अगर डेबिट में आए तो मैंने बोल दिया गुडविल लिख देना, लेकिन आप खुद भी सोचोगे ना, तो डेबिट में आने का मतलब है कि हमारा रिकंस्ट्रक्शन करने में नुकसान ज़्यादा हुआ और फायदा, यही होगा ना डेबिट का मतलब। तो रिकंस्ट्रक्शन काहे को किया, रिकंस्ट्रक्शन करते क्यों है, ताकि हमारा कंपनी का बेनिफिट हो, तभी तो करते हैं कि लाइबिलिटी को कम देना पड़े, एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, यही सोच के करोगे। अगर आप सोचोगे कि हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं और डिबेंचर होल्डर को बुलाएं, इधर आ तेरा कितना बाकी था, 2 लाख, मैं रिकंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ तेरे को 5 लाख दूंगा, होगा ऐसा नहीं होगा, फिर रिकंस्ट्रक्शन किस लिए? तो इसलिए मैक्सिमम चांसेस इधर आएगा या बराबर आ सकता है। इधर बहुत रेयर के एक भी क्वेश्चन नहीं है, और जो अलग टाइप से इधर बैलेंसिंग फिगर के लिए बोलते हैं वो बुक में एक आध क्वेश्चन है, देख लेंगे हम। तो ये हमने सीखा क्या, रिकंस्ट्रक्शन, सबसे पहले जर्नल एंट्री सीख लिया, जर्नल एंट्री के बाद रिकंस्ट्रक्शन, इसका एक और नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बोलते हैं, इसी को क्या बोला जाएगा कैपिटल, क्योंकि बोला जाएगा प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अब एक जर्नल एंट्री मिसिंग था, तो वो जर्नल एंट्री आप करोगे रिकंस्ट्रक्शन, नहीं फायदा है ना, हाँ सॉरी रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन से जितना फायदा हुआ सबको भेज दिया हमने कैपिटल रिजर्व में, एक्चुअल में कितने रुपए का 2000, तो अमाउंट आ जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, समझे? तो एक बार फटाफट से नोट करिए इसको, और जो बच्चे लाइव क्लास में डाउट पूछे फिर इस पे बैलेंस शीट बनाते हैं जल्दी जल्दी। चलिए बैलेंस शीट में आप बताते जाइएगा मुझे, ठीक है? ए पार्ट सबसे पहले आता है, ए ऐसे नहीं लिखते, वन पार्ट आता है रोमन में, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, हम ये क्या करने वाले हैं, हूबहू सेम टू सेम जो पुरानी बैलेंस शीट है उसको उतारने वाला हूँ मैं। तो बैलेंस शीट बनाना है इसके अंदर, अगर आपको पुरानी बैलेंस शीट यहाँ पर सामने दिखाऊं, और उसके बाद फिर कुछ चीज़ें चेंजेस करके करेंगे और बैलेंस शीट हमारा क्या हो जाएगा, तैयार, ठीक है? तो अब फटाफट से मुझे बताते जाइए, सबसे पहला मुझे तो याद है, लेकिन आपको करते करते प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। जैसे इसके अंदर क्या आता है हमारा, एक के बाद वन आता है, जिसको हम नाम देते हैं, अलग मार्कर से लिख देते हैं इसको, शेयर होल्डर फंड, और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर पहला पार्ट आता है ए पार्ट, जिसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, दूसरा पार्ट आता है इसमें बी रिजर्व एंड सरप्लस। इसके लिए सदैव नोट बनाएं आप। इसके बाद सी पार्ट जो होता है इसका, वो काम का नहीं है हमारा, शेयर वारंट और वो सारी चीज़ें, जो जो काम की है वो चीज़ें लिख रहा हूँ। नंबर टू आ जाएगा हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले ए पार्ट आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर डिबेंचर वगैरह आते हैं। आप देखोगे यहाँ पे नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपको दे रखा है, यहाँ पे डिबेंचर दे रखा है ना, तो यहाँ पे मैं अलग से नोट ना बना के यहीं लिख दूंगा मैं। बताओ क्या क्या है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, पुरानी बैलेंस शीट को ही देख के बताना है,
11% डिबेंचर है और अनसिक्योर्ड लोन है। कितने रुपए 11% डिबेंचर? कुछ इसमें चेंजेस हुआ चेंजेस? क्या चेंजेस हुआ? मैंने प्रेफरेंस शेयर वालों को डिबेंचर दिया, लेकिन वो कितने परसेंट वाला था? प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिबेंचर दिया, चेक करिए कितने परसेंट वाला था। अगर वो 11% वाला था, अगर नहीं मैं समझना, अगर वो 11% वाला होता तो इसी में जोड़ता, वो 11 वाला नहीं है, वो कितने वाला है? तो 12% वाला डिबेंचर यहां से अलग दिखाएंगे हम। और अनसिक्योर्ड लोन कितने का है फटाफट बताइए, देखिए 2.6 लाख। और जो नया डिबेंचर इशू किया था, रजिस्टर ओपन करिए, 1.2 लाख। जर्नल एंट्री से फटाफट, और कोई बदलाव है नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर यही चीजें हमारे पास गिवन है, ऐसा और कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जो है हमारा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में आप अगर चेक करें बैलेंस शीट के अंदर, तो ट्रेड पेबल है जिसमें बदलाव है, और अदर करंट लाइबिलिटी कुछ बदलाव नहीं है, और इंटरेस्ट में बदलाव है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल सर, ट्रेड पेबल में क्या चेंजेस है? पहले क्या था ट्रेड पेबल? पहले वाला अमाउंट लिखिए यहाँ सर, पहले वाला अमाउंट था 1,66,000, और इसमें से माइनस कर दो जो रिडक्शन हुआ है, फायदा कितना था? कितने 36,500 माइनस किया, 520 है। ओके, अब जो भी आएगा यहाँ लिख देंगे, समझे? ऑल दो जिस चीज़ में हम वेरिएशन कर रहे हैं ना एड ऑन लेस, इसके लिए आप अलग से नोट बना सकते हो, लेकिन अलग से नोट बनाने में ओनली एंड ओनली टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा स्मार्टली बैलेंस शीट के अंदर भी बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। समझ में आई बात आपको? चलिए, इसके बाद ए के बाद हमारा यहाँ पे आएगा अदर करंट लाइबिलिटी, बी पार्ट अदर करंट लाइबिलिटी। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, तो इसका भी डिटेल लिखना है कि सर पहले था 44, उसमें से माइनस हो गया 22, समझे? इसके बाद इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, इस पे भी लिखेंगे, पहले था 30 और माइनस हो गया 12। समझ में आ रहा है ये कहाँ से 12 44 माइनस कर रहा हूँ? वही जर्नल एंट्री से हेल्प से कर रहा हूँ मैं, और रिकंस्ट्रक्शन में जो गया, ठीक है। लीजिए लाइबिलिटी साइड खत्म, लाइबिलिटी में नोट नंबर 1 हमें करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और नोट नंबर 2 भी करना है। तो नोट नंबर 1, क्योंकि मुझे यहाँ एसेट्स बनाना होगा, यहाँ एसेट्स के लिए जगह छोड़ते हैं, और इस साइड हम बना लेते हैं, एक सेकंड रुकिए, आपको विजुअल करा दें। इस साइड बना लेते हैं हम नोट नंबर 1। तो पहले नोट नंबर 1 खत्म ही कर लें। सर नोट नंबर 1 कैसे बनाओगे? वेरी सिंपल, या तो पुराने बैलेंस शीट में नोट नंबर 1 दे रखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं दे रखा है तो हम यहीं पे लिख देंगे सिर्फ। क्या पुराने बैलेंस शीट में नोट नंबर 1 दे रखा है? नहीं दे रखा तो बात ही खत्म हो गया, सिंपल लिख दो आप। यहां पे लिख देंगे हम, शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 है, तो यहां पे आप लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहां लिखिए नीचे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सब फुल्ली पेड अप वाला है। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितना था बताओ? पहले था 6,00,000, इसमें से लेस कर देंगे रिडक्शन, कितने 4,20,000। तो यहां पे बच गया 1,80,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने थे हमारा?
कितने परसेंट वाला था? 9% वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख लेस रिडक्शन, कितने रिडक्शन हुए? 2 लाख बचा ही नहीं ना प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना, तो जीरो आ गया। लो नोट कंप्लीट 180, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा आ गया ना पॉइंट, इसलिए ये सारी बातें मैं यहां पे लिखूंगा तो फिर बैलेंस शीट थोड़ा सा बल्कि हो जाएगा, मतलब कि उसमें आपका प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा। तो 180 यहां लिख लिया, जिस चीज को हम यहां एक चीज हो ना माइनस करने वाला उसको यहीं दिखा दो चलेगा, समझे। नोट नंबर टू, वैसे नोट नंबर टू मैं यहीं दिखा सकता था लेकिन नोट नंबर टू में क्या पता ज्यादा चीजें हो, इसलिए मैंने बता दिया रिजर्व एंड सरप्लस में होता है नॉर्मली। इसमें दे रखा है आपको रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ और सिर्फ सरप्लस, वो भी लॉस का, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो मुझे बताइए फटाफट, रिजर्व एंड सरप्लस में अगर जाएं तो पहले सरप्लस दे रखा था कितने का? 353,000, ये लॉस था। मैंने इसको राइट ऑफ करा, कितने का हो गया? और ये बच गया जीरो। हमारे पास एक कैपिटल रिजर्व नया आया, वो सिर्फ रह जाएगा, और कहीं से फायदा है क्या? नहीं। तो कैपिटल रिजर्व सिर्फ आ जाएगा कितने का? तो ये लो जी लाइबिलिटी साइड डन। इसके बाद हम बात करेंगे किसका? एसेट्स का। एसेट्स रोमन में 2 लिखना है, और मैं आप सभी को बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होता है, क्या क्या डलता है, किस में क्या डलता है, उसकी वीडियो में पुट कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है ना, उसकी वीडियो में डाल दूंगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। आप एक बार देख लेना है उस वीडियो को, उसके अंदर सारा कुछ मैंने बताया हुआ है, नोट्स टू अकाउंट से लेकर सब कुछ, कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे रहेगा, ठीक है ना। आपको कि बैलेंस शीट कैसे बनना है, यहां पे सबसे पहले लिखते हैं नोन करंट एसेट, दो ही चीज होता है बैलेंस शीट में, लेकिन हाँ नहीं, ये आएगा पहले एसेट, पहले आएगा एसेट्स, आपने पूरा एक साथ ही ऐसे लेना है, टू बी कंटिन्यू है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर वन पार्ट आता है नोन करंट एसेट, और दूसरा पार्ट आ जाता है हमारा करंट एसेट्स। इसमें भी हालांकि कुछ जगह पे वेरिएशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कैश में ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है, फिलहाल हमारे वाले में कैश में वेरिएशन है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि हम यहीं पे कर लेंगे, नोट नहीं बना रहे उसका। सबसे पहले बताइए क्या है, पुराने बैलेंस शीट को देख के ही बताइए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट PPE, PPE प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक हेडिंग होता है हमेशा, इसके अंदर क्या क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग एंड लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। आपने देखो जर्नल एंट्री करवा दिया ना गलत, वहां पे बोला था फिक्स एसेट्स इंक्रीज हुआ है, वहां पे क्या बोला था? फिक्स एसेट्स क्या हुआ? इंक्रीज। तो फिक्स एसेट्स में आपने टोटल अमाउंट करके एंट्री कर दिया, मैं क्या बता रहा हूँ समझ रहे हो, जबकि वहाँ अलग अलग करना था। और रिकंस्ट्रक्शन को भी ठीक करिए, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप सबसे ही पूछा था मैंने, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? रिकंस्ट्रक्शन प्लांट इक्विपमेंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन और लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, दोनों का अलग अलग। नहीं तो यहाँ पे अब मैं करूँ, पहले पुराना बताओ वैल्यू क्या है, पुराना वैल्यू बताओ इसका बैलेंस शीट में क्या है लैंड एंड बिल्डिंग का? 3 लाख। और प्लांट एंड मशीनरी का बताओ? 2 लाख। तो बताओ अब मैं कैसे इसको माइनस करूं? 2 15। बताओ कैसे माइनस करूंगा अब मैं यहाँ, समझ रहे हो कहाँ समस्या आ गई? अब मैं ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ ब्रैकेट करके ऐसे माइनस कर दूँ, नहीं होगा ना ऐसे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ जर्नल एंट्री को भी करेक्ट करना है आपने अलग अलग नाम से, बिल्कुल ठीक है। वो जहाँ पे हमने फिक्स एसेट्स टू रिकंस्ट्रक्शन किया है ना, वहाँ पे हो जाएगा प्लांट एंड इक्विपमेंट लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, और इसका 10% 3,000 और इसका 30,000 और 21,500, और रिकंस्ट्रक्शन में भी 2 अलग अलग नाम शो करना है, समझ गए ना। अब बताइए इसमें से माइनस करेंगे 30,000 और इसमें से 21,500, क्यों माइनस?
हाँ अच्छा जोड़ेंगे अप्रिशिएट हो रहा है तो ब्रैकेट हटाइए, अप्रिशिएट हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में ये आ जाएगा 3,30,000 और ये आ जाएगा 21,000 और ऐड हो गया तो कितने हो जाएंगे 36,500, 2,36,500 भाई टोटल चेक करते रहना, गलती हो तो बता देना। अगले पे आ जाते हैं गुडविल, गुडविल ये ए पार्ट था तो गुडविल यहां लिख देता हूं, बताइए गुडविल के साथ क्या किया जाए, कितने का था गुडविल बोलो 167 और ये पूरा राइट ऑफ हो गया। बुक वाले क्या करते हैं, इन सब के लिए नोट बना के चलते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा टाइम है, आपके पास इतना टाइम नहीं है एग्जाम में, तो जो चीजें यहां सॉर्ट आउट हो सकती है यहीं कर दो आप। एग्जामिनर कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि बच्चे ने गलत किया है, ठीक माना जाता है वो, ठीक है। चलिए गुडविल के बाद और क्या था हमारा, आगे एसेट्स बढ़ते जाते हैं, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसी में आ जाएगा, ये पॉइंट नंबर टू होगा फिर सी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये देखो गलती हो गया यहां, बीबी दो बार लिख दिया इसने, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब बताइए इसमें तो कोई बदलाव था ही नहीं, सेम रहेगा, कितने का था 70,000। चलिए अब आ जाते हैं इन्वेंट्री, इसमें बदलाव था, इसमें बदलाव था इन्वेंट्री में, कितने का था 210 और माइनस कितने का 25,200 यानी क्या कहा था उसने, कितने परसेंट 20 था। अब देखो गलती कर रहे हो, ध्यान से सुनना, 210 का इन्वेंट्री था, 42,000 का निकल गया तो कितना बचेगा, आप यहां पे माइनस कर रहे हो रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन नहीं, इन्वेंट्री कितने का गया 42 का जाएगा ना, नहीं आई बात समझ में, आ गया ना, क्योंकि बाकी का जो डिफरेंस है ना पैसे वो तो बैंक में आएगा, बैंक में दिखाऊंगा अभी मैं, ठीक है। यहां से तो माइनस पूरा 42 करेंगे आप, क्योंकि आपका इन्वेंट्री तो दुकान से 42 का चला गया ना, क्योंकि भले 42 में से कुछ पार्ट आपने स्क्रैप में बेच दिया तो लेकिन वो कैश के फॉर्मेट में आया आपके पास, समझ गए बात, तो ये 42 माइनस होगा। इसके बाद इन्वेंट्री के बाद क्या है जी, इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितने रुपए 310, इसमें से माइनस हुआ 33, हमने यही माइनस करके दिखा दिया। हालांकि ये वाले प्रोविजन को दो जगह ऑप्शन है, या तो मैं करंट लाइबिलिटी लिख रहा था ना, यहां पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखता, यहां पे मैं क्या लिखता, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो एक्चुअल होना चाहिए, वैसे यहां से माइनस नहीं होता क्योंकि वो क्या था 33,000 रुपए, देखो क्या बोल रखा था उसने, प्रोविजन बना रखा था ना, तो एक्चुअल जब हम बैलेंस शीट वाले पार्ट पे आएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां भी फिलहाल के लिए माइनस कर रहे हैं लेकिन एक यहां भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिख दें, समझे। इसके बाद सी पार्ट क्या है बताइए, ये कैश एंड कैश, इसके ऊपर ना नोट बन सकता है क्योंकि इस पर ज्यादा होता है, बताओ कितने का था 45 का था हमारे पास। अब पहले प्लस कर लेते हैं, प्लस कहां से, स्टॉक से, स्टॉक से कितना आया 16,800, माइनस कर लेते हैं, किस किस को दिया था हमने पैसा, इंटरेस्ट वालों को दिया था, इंटरेस्ट दोनों वाले ले लेते हैं, ठीक है, कितने, एक को 18 एक को 22, ये माइनस होगा तो 18, 22, 40 माइनस, और तो किसी से लेन देन था या नहीं था, एक एक्सपेंस भी था तो 16, तो आप बताइए ईमानदारी से सोच के क्या इसका नोट नहीं बनना चाहिए क्योंकि बहुत सारे आइटम आ गए, तो एक कैश का भी नोट बना लेना, मैंने तो यहां कर दिया क्योंकि मेरे पास नोट बनाने की जगह नहीं है, तो आप क्या करोगे, यही उठा के एक बॉक्स में बाहर लिखोगे और वहां से सीधा अमाउंट लिख के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पास दिखा दोगे, समझ गए बात आप। चलिए ये भी हो गया, सी के बाद डी पे आ जाए, कुछ है
डी अदर करंट एसेट जिसके अंदर है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अमाउंट 25 और माइनस कर दो 25 और ये बचा निल जी, बैलेंस शीट बन के तैयार, समझे? अब फटाफट टोटल करना है, 4 लाख प्लस 260 प्लस 1. अरे क्या कर दिया, 4 लाख प्लस 260 120, ये आ गया 780, ठीक है, 166 माइनस में 36,520, 129 टोटल चेक कर लेना, 44,000 माइनस 22,000 ये 22 और ये 18। हालांकि इसका अदर करंट का भी नोट बन जाना चाहिए क्योंकि उसमें दो आइटम आ गया है, इंटरेस्ट वाला और एक ये वाला, ठीक है ना, तो इसका भी नोट बन जाना चाहिए, बेटर रहेगा। मैं देखो नोट बनाना कभी एग्जामिनर नहीं बोलता तुम्हें इसका नोट बनाना चाहिए, हमारे अपने इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करता है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा आइटम हो उसके लिए नोट बना लेंगे, और जिसके अंदर सिर्फ एक ही आइटम माइनस करने वाला नोट नहीं बनाएंगे, वहीं पे ब्रैकेट में करके कर देंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये लेके चलते हैं। चलिए कौन से, हाँ ये तो आएंगे ही नहीं, बिल्कुल सही जवाब, तो हम यहाँ पे 12 क्यों माइनस कर रहे हैं, पूरा ही माइनस करेंगे, 44 और ये 30 खत्म, तो ये 0 बचा ही नहीं। दिमाग लगाओ, सोचो, इंटरेस्ट था, फायदा हुआ मानते हैं, लेकिन बाकी का बैलेंस को पेमेंट भी तो कर दिया, तो क्या अभी भी आपके पास लाइबिलिटी है? तो जवाब है सर नहीं है लाइबिलिटी, इसलिए ये क्या हो गया 0, ठीक है। टोटल कर ले, 180 कैपिटल, 2000, 780, 129, 480, तो ये आ गया हमारा 10,91,480। अब एसेट्स का भी टोटल सेम आना चाहिए, आप ऐसा मत कर देना क्योंकि बैलेंस शीट ये वाला एसेट्स इसी के नीचे जाएगा, ठीक है ना। चलिए 210 का इन्वेंट्री 20% माइनस 168, 31,310 माइनस 33,000 277, और 45 माइनस 40 माइनस 16,820 और प्लस 16,800 4,980। देखते हैं, 236,500 75,000 168 277 और 4,980, ये आ गया 10,91,480। अब बैलेंस शीट हो गया मैच, तो क्वेश्चन 15 नंबर का आएगा भैया, तो जर्नल एंट्री भी आ सकता है सिर्फ, या फिर जैसे ये क्वेश्चन है रिकंस्ट्रक्शन और बैलेंस शीट बनाइए, या जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बोथ आ सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, तीनों नहीं पूछेंगे, तीनों में ना बहुत बड़ा हो जाएगा, हमने तो तीनों किया इसके अंदर, आप सोचो हमने क्या करा, पहले जर्नल एंट्री करा, फिर रिकंस्ट्रक्शन बनाया, फिर बैलेंस शीट, तो इतना बड़ा नहीं पूछेगा, वो पूछेगा क्या, जर्नल एंट्री रिकंस्ट्रक्शन, या जर्नल एंट्री बैलेंस शीट, या फिर रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट, ऐसे पूछ सकता है, कोई दो, यानी इस चैप्टर में हमें तीन पार्ट में आंसर डिवाइडेड है, एक जर्नल एंट्री के फॉर्मेट्स में, एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, और एक आ गया किस में, बैलेंस शीट। और अगर इस क्वेश्चन को दो पार्ट में उसको डिवाइड करना होगा तो बोलेगा सिर्फ बैलेंस शीट बनाओ या सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन बनाओ, और बी पार्ट में कोई थ्योरी दे देगा आपको, ठीक है ना। तो फटाफट से एक बार नोट करिए, किसी को डाउट है इसमें तो आप पूछिए मुझसे, मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। कौन सा 2 लाख, ये माइनस क्यों हुआ, प्रेफरेंस शेयर था, और प्रेफरेंस शेयर देखो, जनरल एंट्री देखो, प्रेफरेंस शेयर को आप डेबिट करके बैठे हो, जनरल एंट्री देखो, प्रेफरेंस शेयर को आपने क्या किया, डेबिट किया है, तो प्रेफरेंस शेयर 0, तो यहां भी 0 करेंगे ना। बुक में एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है लेकिन इसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, आगे देखना, ये नहीं दिखाना है, वैसे तो ये भी नहीं लिखना चाहिए,
वैसे ये भी नहीं लिखना चाहिए, लेकिन अगर ये सब नहीं लिखोगे तो सोचेगा बच्चे को नहीं पता इसके बारे में, तो आपको वहां माइनस करके दिखाना है जीरो हुआ। थ्री का बी भैया, थ्री का बी ये आप दोनों जगह यहां पे भी दिखा सकते हो और बैलेंस शीट में आप माइनस कर सकते हो, डायरेक्ट जीरो करके भी दिखा, लेकिन दिखाना है आपने। कौन सी जर्नल एंट्री, वो जो करा था ना हमने, कौन सी जर्नल एंट्री की बात कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, वहां पे एंट्री हो जाएगा, लो कर ही देता हूं, वहां पे हो जाएगा एंट्री हमारा लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड इक्विपमेंट टू रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, और इसमें अमाउंट आ जाएगा 30 और इसमें 21,500 और फिर 51,500 आएगा, ऐसे आप लोगों ने इकट्ठा बता दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया था वो। बताइए समस्या क्लियर है? अब अगली क्लास से ये फटाफट स्टार्ट होगा, अगली क्लास से जो बैलेंस शीट होंगे ना बनाने के लिए, अगर टफ नहीं हुआ ऐसा ही हुआ तो वो मैं आपको दे दिया करूंगा बैलेंस शीट बनाने वाला। मेरा काम क्या है, एडजस्टमेंट करना, ठीक है ना, मेरा काम है आपको एडजस्टमेंट अच्छे से बताने देना, और जैसे बैलेंस शीट वाला पार्ट हुआ करेगा ना तो बैलेंस शीट वाला बोलूँगा आप खुद कर लो, क्योंकि जब जर्नल एंट्री कर लोगे तो बैलेंस शीट खुद कर ही सकते हो, थोड़ी बहुत जो दिक्कत आएगी निकल के आपके डाउट में तो मैं लाइव क्लास में ले ही रहा हूँ आप लोगों के डाउट, आप पूछ लेना ये क्यों माइनस हुआ है तो वो फट से बता दूंगा, तुरंत समझ में आ जाए।